Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. में देने को सकात कहते हैं और ये फरीदा इस्लाम है, इसकी अदायगी भी जरूरी है। और याद रखिए कि अल्लाह की बंदगी में इखलास को बरोएकार लाना और साथ देकर चलना असल इस्लाम है। अरकान इस्लाम की पाबंदी इंसान को इस्लाम में बाकी रखती है और इसका तर्क कर देना इस्लाम से खारिज होने का सबब बनता है। अल्लाह की तरफ से बयान और हिदायत आ चुकी, अब ताबेदारी करने के लिए तुम्हें अपनी सलाहियतें बरोएकार लानी हैं। और याद रखिए अल्लाह के घर का हज करना भी पांच अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, लिहाजा हर मुसलमान पर जिसके पास सलाहियत, पैसा, सेहत है, वो अल्लाह के घर के हज के लिए हाजिर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फरमाया 10 ज़िलहज को 10 और फरमाया कि आज के दिन तुम्हारा दीन कल कर दिया गया है। हज्जतुल विदा में यह आयत नाजिल हुई कि हाँ ए रसूल, हमने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और मैं राजी हो गया हूँ कि क़यामत तक के लिए इस्लाम ही तुम्हारा तरीका इबादत हो। इस दीन की खुसूसियत यह है कि वो भलाई में एक दूसरे के साथ ताउन करने पर जोर देता है। भलाई के रास्ते में एक दूसरे से ताउन करो, शर के रास्ते में कभी भी एक दूसरे के साथ मत दो। अल्लाह की नेमत करो कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतें तुम पर उतारी हैं और उन नेमतों का इकरार और उन नेमतों का एतराफ ही शुक्र अदा करने के मुतरादिफ है। ईमान वाले का अलामत यह है कि उसका अखलाक बड़ा अच्छा होता है, बड़े अच्छे रवैये से वो इंसानों से पेश आता है। अल्लाह के रसूल से बढ़कर में कोई बा अखलाक इंसान नहीं था। लिहाजा हमें आपकी जिंदगी से और आपके अमल से नमूने अखज करते हुए अपने आप अखलाक मुसलमान बनाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान वाला कभी भी अपनी जुबान से नहीं टलेगा, वादा करेगा तो पूरा करेगा, अमानत में खयानत नहीं करेगा। ये ईमान की अलामतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को समझाई हैं। और इस्लाम की खूबी यह है कि लोगों के साथ हर एक को हक दे दो, जिसका जो हक है वो दे दो। अल्लाह ताला अदल और इंसाफ करने को पसंद फरमाता है। याद रखिए जिंदगी को तरतीब के साथ गुजारने के लिए कुरान की रोशनी में और नबी की सीरत की रोशनी में अखज करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। याद रखिए कि बिया और बीवी एक दूसरे के हकूक को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक अदा करते रहें तो उनकी ये दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। पाक में अल्लाह ने फरमाया ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी पैदा करी। और ये हम ये निशान करते हैं अकलमंदों के लिए कि वो इसको समझ लें। बीवी के बाद माँ बाप की खिदमत, औलाद की जमानत और उनको अच्छी तालीम देना भी मुसलमान का फर्ज है। बुराइयों से बचना, औलाद को बचाना, अपने खानदान वालों की हिफाजत करना, ये भी दीन का हिस्सा है। याद रखे अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात मुंह से मत निकालना जिसके बारे में तुम्हें इल्म ना हो। के अच्छे मुसलमान होने की ये दलील है कि वो अपने लेन देन में, अपनी तजारत में हक और इंसाफ के साथ मामला करता हो, खयानत
झूठ, धोखा और गलत तरीके से किसी के माल को मुसलमान का सेवा नहीं हो सकता। याद रखिए, जुआ, धोखेबाजी और गलत तरीके से किसी के माल को अपनाना इस्लाम में हराम है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के रसूल ये नसीहतें फरमाते थे और अपने हज में आपने फरमाया कि आज के दिन तुम्हारे माल, तुम्हारा खून और तुम्हारी इज्जतें हराम कर दी गई है। कोई किसी के माल में, किसी की इज्जत में और किसी की जान में नाजायज हाथ ना डाले। अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए अमन अमान और हमारे मुस्तकबिल के बारे में जो हिदायत छोड़ी है, मुसलमान आज उन पर अमल पैरा होकर दुनिया में अमल कायम कर दें। याद रखिए, अल्लाह बंदों के तमाम आमाल पर नजर रखे हुए है। ईमान जो किसी पर ज्यादती नहीं करते और अल्लाह की बंदगी में रोगदानी नहीं करते, वही अल्लाह की तरफ से अमन और सलामती में रहेंगे। नेकियां करते रहो, बुराइयों से बचते रहो, दूसरों की हिदायत करते रहो, इसी दीन के बारे में अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा और तुम्हें अमन अमान नसीब फरमाएगा। इसमें ज्यादती न करना। हर मुसलमान अमन को कायम करने में अपनी जिम्मेदारी अदा करे। वो किसी पर ज्यादती नहीं करेगा, किसी मारेगा, किसी का खून नहीं बहाएगा, किसी का माल नहीं खाएगा, किसी की इज्जत से नहीं खेलेगा। मुलाहिजा किया, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Discover.